हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, फ्लाइट और ट्रेवल्स को लेकर कुछ बहुत ही अहम अपडेट है। इंडिया को लेकर बहुत ही अच्छी खबर आई है। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया के कौन से एयरपोर्ट पर लोगों को फ्लाइट पर चढ़ने से पहले ट्रैक्टर पर चढ़ना पड़ा, उस पर भी बात करूंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप फ्लाइट और ट्रेवल्स की खबरों से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इंडिया में फ्लाइट को लेकर। तो इंडिया में फ्लाइट को लेकर बहुत ही अच्छी खबर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी एयरलाइंस को 100% कैपेसिटी के साथ में बुकिंग की इजाजत दे दी है। अभी तक क्या होता था कि कोरोना प्रोटोकॉल के चलते सभी सीटें नहीं बुक हो सकती थी, कुछ सीटें एयरलाइंस को खाली छोड़नी पड़ती थी कोरोना प्रोटोकॉल के चलते। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 72% की इजाजत दी थी, फिर 85% की इजाजत दी, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% की इजाजत दे दी है। यानी एयरलाइंस में जो भी सीटें अवेलेबल होती है, जितनी भी सीटें अवेलेबल होती है, उन सभी सीटों की अब बुकिंग की जा सकती है। ऐसा छूट दे दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयरलाइंस को कि 18 अक्टूबर से आप पूरे जो भी आपके एयरलाइंस में सीटें हैं, जितने भी सीटें अवेलेबल हैं, उन सबकी बुकिंग आप कर सकते हैं, कोई सीट खाली छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी मांग एयरलाइंस की तरफ से लगातार की जा रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सिविल एविएशन से, कि हमें पूरी सीटों को बुक करने की इजाजत दीजिए, 100% कैपेसिटी के साथ में बुकिंग की इजाजत दीजिए, क्योंकि इंडिया में कोरोना भी अब डाउन हो चुका है। इसके अलावा पैसेंजर की मांग भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, लगातार यात्री भारत में बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से पूरी कैपेसिटी के साथ में फ्लाइट बुकिंग की इजाजत दी जाए। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 अक्टूबर से सभी एयरलाइंस को जो इंडिया में ऑपरेट होती हैं, 100% कैपेसिटी के साथ में सीट बुकिंग की इजाजत दे दी है। इस फैसले का इंडिगो ने, स्पाइसजेट ने और भी जितने एयरलाइंस ने, सबने स्वागत किया। इसके अलावा इंडिगो ने बताया है कि उसकी जो भी फ्लाइटें हैं इंडिया में वो 80% ऑपरेट होना शुरू हो चुकी है। यानी जो लॉकडाउन से पहले जो फ्लाइटें ऑपरेट हो रही थी उसका 80% अब मार्केट में आ चुकी है, फ्लाइटें ऑपरेट हो रही है। 20% फ्लाइटें अभी भी उसकी नहीं आ पाई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दिसंबर तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ये इंडिगो की तरफ से कहा गया। इसके अलावा दोस्तों 15 अक्टूबर से भारत सरकार टूरिस्ट वालों को अलाउड करने जा रही है, साथ में 15 नवंबर से नॉर्मल फ्लाइट वालों को भी एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा भारत और मालदीव के पास, मालदीव के बीच 2018 में जो वीजा फ्री एग्रीमेंट हुआ था उसको फिर बहाल कर दिया गया। यानी मालदीव के नागरिक और भारत के नागरिक एक दूसरे देश में बिना वीजा के एंट्री कर सकते हैं, वीजा अराइवल पर एंट्री कर सकते हैं, तो उस एग्रीमेंट को बहाल कर दिया गया है। 2018 में इंडिया और मालदीव के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था जिसमें दोनों देश के नागरिक एक दूसरे देश में बिना वीजा के एंट्री करेंगे, तो उस एग्रीमेंट को अब फिर एक बार बहाल कर दिया गया। यानी फ्लाइट और ट्रेवल से जुड़ी लगातार अच्छी खबरें आ रही है, सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों सऊदी अरब को लेकर, तो सऊदी अरब ने अभी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है जिसमें यह बताया कि इंडिया में जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, यानी जो लोग अपने कंट्री में वैक्सीन लगवा चुके हैं, उनको डायरेक्ट ट्रेवल करने के लिए कब परमिशन मिलेगी। सऊदी हुकूमत ने इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया है। कुछ कैटेगरी वालों को ही अभी डायरेक्ट ट्रेवल करने के लिए परमिशन मिली है, बाकी जो भी लोग हैं वो वाया दुबई होकर या वाया नेपाल होकर सऊदी अरब जा सकते हैं, क्योंकि पैकेज धीरे धीरे अब सस्ते भी हो रहे हैं। फ्लाइट कब खुलेगी दोस्तों, इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। सऊदी हुकूमत कल भी खोल सकती है, 2 दिन बाद भी खोल सकती है, 4 दिन बाद भी खोल सकती है, लेकिन अब क्योंकि भारत में भी फ्लाइटें नॉर्मल हो रही हैं पूरी कैपेसिटी के साथ में, अब फ्लाइटें ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों 15 अक्टूबर से टूरिस्ट वीजा भी शुरू हो जाएगा, 15 नवंबर से नॉर्मल फ्लाइटों से भी आने के लिए इजाजत होगी। तो अब उम्मीद की जा रही है कि सऊदी हुकूमत भी जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला ले लेगा इस पर, कि जो लोग होम कंट्री में वैक्सीनेटेड है, यानी जो लोग अपने देशों में वैक्सीन लगवा चुके हैं, उनको डायरेक्ट ट्रेवल करने के लिए परमिशन दे दी जाए। बहरहाल इंतजार रहेगा सऊदी के फैसले का। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो बहुत ही दिलचस्प है। ये अपडेट आई है बेंगलुरु से। ऐसा कितनी बार हुआ दोस्तों आपके साथ में कि आपको फ्लाइट पर चढ़ने से पहले ट्रैक्टर पर चढ़ना पड़ा है? जी हाँ, सही सुना आपने, बेंगलुरु में भारी बारिश हुई थी जिसकी वजह से एयरपोर्ट तक जाने में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी और लोगों को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। बेंगलुरु एयरपोर्ट के बाहर बहुत ज्यादा जल भराव हो गया भारी बारिश के चलते और लोगों को ट्रैक्टर पर चढ़ना पड़ा। ट्रैक्टर पर चढ़कर लोग एयरपोर्ट तक पहुंचे, फिर उन्होंने फ्लाइट पकड़ी। यानी फ्लाइट पर चढ़ने से पहले लोगों को ट्रैक्टर पर चढ़ना पड़ा। तो ये दिलचस्प अपडेट बेंगलुरु की तरफ से आई जहां भारी बारिश हुई थी और उसके बाद लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बहरहाल दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।